5 पैसा कैपिटल लिमिटेड। देखिए ब्रोकिंग स्टॉक्स तो अच्छा करेंगे, हालांकि हम भी ब्रोकिंग इंडस्ट्री में है, वेल्थ मैनेजमेंट में, और ये कंपनी भी एक गजब की कंपनी है। सबसे बढ़िया बात है मुझे बहुत सस्ते वैल्यूएशन पे ये अवेलेबल होती हुई लग रही है, क्योंकि ये लिस्टेड स्पेस में है। वही अगर अनलिस्टेड स्पेस वाले कई है डिस्काउंट ब्रोकर जो लॉस मेकिंग भी है और उनकी अच्छी खासी वैल्यूएशन पे पी स्टेक्स वगैरह लेते हैं, बट यहाँ पे हमें एक अच्छा डिस्काउंट ब्रोकर, और डिस्काउंट ब्रोकर देखिए जबरदस्त, ये लोग जैसे MIIs की हम बात कर रहे थे अनिल जी 2-3 दिन पहले, ये तो ये भी एक तरीके से ये लोगों ने इतना रोबस्ट आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा किया है ब्रोकिंग के लिए, जो कि हम ब्रोकर्स लोग समझ सकते हैं कि आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर पे जो स्पेंडिंग होती है और आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर आजकल कितना इंपॉर्टेंट है एक ब्रोकिंग बिजनेस को नेक्स्ट लेवल पे ले जाने के लिए, हमारे जैसे जो ट्रेडिशनल ब्रोकर्स उनको समझ आता है। बट यस, सब लोग अब हर ब्रोकर अपना अपना आईटी स्पेंडिंग और आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर बनाते हैं, बट ये कंपनियां पायनियर्स रही है। तो टॉप 10 जो डिस्काउंट ब्रोकर्स, इनफैक्ट ये कंपनी भी 5th-6th रैंक पे आती है, चेंज होते रहते हैं रैंकिंग्स भी, और अकाउंट ओपनिंग की जो मोमेंटम है और जो ग्रोथ है और जो नंबर्स हम देखते हैं डीमैट अकाउंट्स के, ये लोग मेजर शेयर ले जाते हैं पूरे इंडस्ट्री में, जो भी डिस्काउंट ब्रोकर्स और जो भी टेक्नोलॉजिकली एडवांस ब्रोकर्स और कंपनी प्रोडक्ट और टेक्नोलॉजी एनहांसमेंट्स पूरी कर रही है। इनफैक्ट काफी बार ये लोग UI/UX अपने चेंज करते हैं, ऑनबोर्डिंग जो होती है क्लाइंट की उसको इन्होंने अभी रिसेंटली नया बनाया है, ऑप्शंस के ऊपर जैसा कि फोकस बहुत ज्यादा है, ऑप्शंस ऑलरेडी बहुत बड़ा चंक है इंडिया के टर्नओवर का और जो इंडियन मार्केट्स का। तो ओवरऑल देखिए फाइनेंशियल इंक्लूजन बोल लीजिए, फाइनेंशियलाइजेशन बोल लीजिए, डीमैट अकाउंट्स जो इतने खुल रहे हैं और जो म्यूचुअल फंड्स की तरफ लोगों का रुझान बढ़ रहा है और मार्केट्स बढ़िया आगे भी लग रहे हैं और ऑलरेडी कर रहे हैं, इन सब का बेनिफिशियरी तो ये होने वाला ही है और ये पूरी जो जर्नी है उसमें ये रहेगा। एक जरूर से ग्रुप कंपनी में कोई न्यूज आने की वजह से ये स्टॉक ऊपर के लेवल से मार्केट के साथ अच्छा खासा करेक्ट किया, 760 के लेवल से 540-50 पे आज अवेलेबल है, हो सकता है बोलते बोलते तेज भी हो रहा हो, बट मुझे बढ़िया लगता है। मैंने अभी रिसेंटली 447 पे भी ये स्टॉक को दिया था अक्टूबर 23, 2023 को 560 के टारगेट के लिए, जो आराम से हो गया, और अब वहां से कंपनी के नंबर्स भी गजब के आ रहे हैं। इनफैक्ट जो दिसंबर 2022 है उसमें 11 करोड़ के पैट के सामने 15 करोड़ का पैट था, और ये क्वार्टर भी अच्छा ही आएगा जहां तक मुझे लगता है, और 63 करोड़ के TTM बेसिस पे हाईएस्ट एवर पैट पे बैठी है। वैल्यूएशन सस्ते हैं, मैं यही बोलूंगा कि आप प्राइस टू बुक वैल्यू मल्टीपल के लिहाज से भी 3 times में मुझे ये सस्ता लगता है, और रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, रिटर्न ऑन इक्विटी, क्योंकि कैपिटलाइजेशन ज्यादा चाहिए और प्लस इनके जो दूसरे बुक्स है उनकी वजह से वो इतना रेलेवेंट नहीं है, बट जो मुझे प्रॉफिट की जो कैगर है पिछले 3 साल की ऑलमोस्ट डबल हुई है, 96% सेल्स की कैगर, 46-47% जनरली हर ब्रोकिंग स्टॉक्स के साथ हुआ है, बट यहां मुझे थोड़ा अलग वो लगता है क्योंकि इन लोगों की जो टेक्नोलॉजी पे जो थ्रस्ट है उसका बेनिफिट और ज्यादा मिलेगा, और प्लस जो प्रोमोटर्स बैकग्राउंड है पुराना स्ट्रॉन्ग प्रोमोटर्स बैकग्राउंड, फर्स्ट जनरेशन प्रोमोटर्स, तो ये सारी चीजों का बेनिफिट तो इस कंपनी को मिलता ही है, और जिस तरीके की शेयर होल्डिंग पैटर्न है वो सब भी बढ़िया लगती है। प्रोमोटर्स के अलावा FIIs, DIIs अच्छा खासा होल्ड करते हैं, बड़े बड़े FIIs है और DIIs भी ठीक ठाक मिलकर ओवरऑल 22-23% के लगभग वो लोग होल्ड करते हैं, तो मुझे लगता है कि स्टॉक को बिल्कुल इस लेवल पे लेना चाहिए, और अब मुझे लगता है कि ये 625 के टारगेट के लिए स्टॉक को लिया जा सकता है।